तबरानी की एक सही रिवायत है, अबुल आस सकफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज्यादा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए, यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो मर्द का दिल बहलाती है जिना के जरिए, उसकी दुआ नहीं कबूल होती। फिर जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है, यानी एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है, नंबर एक जिना और नंबर दो वालदैन की नाफरमानी, माँ बाप की बात न मानना। और आप देखिए कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुबतला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुबतला हो जाता है, तो फिर उसको ईमान कैसे रुखसत होता है? उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई एक झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता कई मील दूर उससे चला जाता है, उससे अल्लाह सुभान व तआला की प्रोटेक्शन हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के मुसीबतें नाजिल होती। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला कयामत के दिन तीन लोगों से बात नहीं करेंगे गुस्से की वजह से और न जन्नत में दाखिल होने के लिए पाक करेंगे। अबू मुआविया हदीस के रावी ने कहा और न ही अल्लाह सुभान व तआला उनकी तरफ नजर करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर एक बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरे मुतकब्बिर फकीर। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहां मौतें बहुत होने लगती है, मौत की कसरत हो जाती, कत्ल की कसरत हो जाती। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला कयामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे, यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और जाहिर है कि हस्बैंड का ये काम है कि बीवी को प्रोटेक्ट करे और वो अकेली है, तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो ऐसा शख्स कयामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या उसकी सजा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि हमसायों का हक के हमसायगी भी पामाल किया गया। हजरत मकदाद बिन असरत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज की जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया एक आदमी अगर 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हक के हमसाये की पामाल होता है, उसके अलावा क्या वजह है कि इसको क्यों ज्यादा बुरा कहा गया? एतमाद का रिश्ता होता है और साथ साथ घर होते हैं ना, तो सारे राज मालूम होते हैं, किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है नहीं है। फिर इसी तरह ताक झांक के मौके भी होते हैं और कई तरह की खराबियां उसमें आ जाती। किसी भी वक्त पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है जो दुनिया में जिना करता है कयामत के दिन उसका अंजाम क्या है? शाबाश। समरा बिन जुद्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं, आपने फरमाया
کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبریل سے پوچھا, اور ایک اور روایت آتی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر, اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جبریل اور میکائل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں, ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے, نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی, تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا, جھوٹی خبریں گھڑتا, جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی, اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے, کتنا ٹائٹ ہوتا ہے, وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں, یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے. اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا, جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے, یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا, اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اس کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے, یا معمولی سمجھتے, کہتے اچھا کر لیا غلط کام, پھر توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے.